अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल फ्रेश सेकेंड ईयर के लिए कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, और ये उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर को प्रमोट हो गए हैं, तो उनके लिए हम बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस है, चैप्टर बाई चैप्टर इन टॉपिकों को, इन लेक्चरों को हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो चलो, हम सेकेंड ईयर की पोर्शन में सबसे जो बड़ा पोर्शन हमारे पास है वो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, तो उनमें से हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे पास इसका नंबर क्या है बेटा, चैप्टर नंबर 15। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़े सीखते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में ये है कि पुराने ज़माने में हमारे पास जितने भी कंपाउंड हुआ करते थे बेटा, तो उन कंपाउंड को हम लोग दो हिस्सों में बांटते थे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक के वर्ड का मतलब है नॉन लिविंग, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या है बेटा, लिविंग। अब देखो बेटा, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास वो कंपाउंड जो मोस्टली नॉन लिविंग सोर्सेज से हासिल की जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पर चैप्टर हमारे साथ क्या है बेटा, ऑर्गेनिक, तो हम ऑर्गेनिक को ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, ये वो कंपाउंड होंगे जो मोस्टली लिविंग सोर्स से हासिल की जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड हमारे पास एक ऐसा एसिड है जी जो मोस्टली हासिल की जाता है किससे बेटा, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एंट्स, और इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है तो रेड एंट HCOOH, ये हमारे पास हो गया फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका जो आयोपिक नाम है, तो हमारे पास क्या है बेटा, एक कार्बन है, तो इसके लिए हम लगा देंगे मेट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और COOH के लिए हम क्या लगाएं बेटा, OIC एसिड। तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड नंबर हम लोगों को जो दी गया है, तो डेट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आप सभी बात जानते हो बेटा कि ग्लूकोज जो होते हैं वो पौधा अपने लिए जो खुराक तैयार करता है, तो किस में बेटा, वो लीफ में करता है। अब जो लीफ में करता है, तो हमारे पास ये तो लिविंग सोर्स में आ गया, और इसका फार्मूला आप सभी को मालूम है, रेड एच सी सेक्टर H12O6। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास जो है बेटा, वो रेटिनॉल है। रेटिनॉल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो मोस्टली आंखों में पाया जाता है, और मतलब हम इन्हीं की मदद से हम देख सकते हैं, जिसका मालिकुलर फार्मूला C20H30O है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा, दैट इज यूरिया। यूरिया जो हमारे पास है, ये ह्यूमन की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सोर्स हासिल की जाती है, तो दैट इज यूरिन। और ये हमारे पास यूरिया का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, कि जब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को C11O को दोनों तरफ अमाइनो ग्रुप कनेक्ट कर दे, तो दिस इज सेड टू यूरिया। तो ये हो गए हमारे पास कुछ एग्जांपल जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के है, और हमने देखे बेटा कि ये लिविंग सोर्सेज से हासिल की जाती है, तो इसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पुराने ज़माने में एक थ्योरी हुआ करती थी जिसके मुताबिक ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कभी भी लेबॉर्टरी में तैयार नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मिनिमम मतलब लिमिटेड थे। चलो देखते हैं। और वाइटल फोर्थ थ्योरी हमारे पास जिसको रिप्रेजेंट करने वाला जो बंदा है, तो डेट इज बर्जीलियस। बर्जीलियस ने 1807 में इसको रिप्रेजेंट किया। उसका हेडिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल है, वो कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लेबॉर्टरी में तैयार नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजूद के अंदर बनते हैं, एक सुपर ताकत से, एक सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से, जिस फोर्स को वाइटल फोर्स बोलते हैं, और इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी को हम एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, दिस इज सेड टू वाइटलिज्म। अब देखो बेटा, हमारे पास उस वक्त बर्जीलियस एक बहुत ही ज़्यादा एक महान साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बात करा रखी थी, तो बहुत सारे लोगों ने मतलब वो स्टडी करना छोड़ दिया था कि वो बोल रहे कि नहीं बनता, तो ठीक है नहीं बनता। पर क्या हुआ कि 1828 में एक ऐसा बंदा आया जिसका नाम था फ्रेडरिक हुलर, जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। नाउ किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जो हमारे पास सबसे पहले सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दैट इज यूरिया। और क्या हो गया बेटा, यूरिया के बनने से क्या होगा, कंप्लीटली वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो यूरिया बना दी, इन्होंने बना दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और कहाँ पर बना दी बेटा, लेबॉर्ट्री में। नाउ किस तरीके से बना दिया, ऑब्जेक्शन आपके सामने है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। हमारे पास एक साल्ट उन्होंने ले लिया जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और मतलब नॉन लिविंग सोर्स से हासिल की जाता है, चट्टानों से, रॉक्स से, तो डेट इज वॉट, पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट अगर हम रिएक्ट करा देखें इसके साथ अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा बेटा, अब देख लीजिए इसमें अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ पर जो पोटेशियम है वो क्या होगा बेटा, पोटेशियम हमारे साथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, इट विल फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड, और एमोनियम जो है एमोनियम आई साइनेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, इट विल फॉर्म एमोनियम साइनेट। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो हम लोगों ने एमोनियम साइनेट ले दिया,
इस अमोनियम साइनाइड को इन्होंने हीट कर दिया, उसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया, मतलब ये दोबारा टूट गया और फिर से बन गया, मतलब रीअरेंज हो गया, और इन्होंने एक कंपाउंड तैयार कर दिया जो हमारे पास क्या है कि कार्बोनिल के दोनों साइड उन्होंने जिसके साथ अमाइनो ग्रुप कनेक्टेड थे, एंड दिस कंपाउंड इज सेड टू यूरिया। तो आप सबको मैंने पहले बता दिया कि यूरिया जो है वो लिविंग सोर्स यूरिन से हासिल किया जाता है, और यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने इसको इनऑर्गेनिक सोर्सेज मतलब हम लोगों ने साल्ट से तैयार कर लिया। तो वाइटल फोर्थ थ्योरी इस रिएक्शन के बिहार पर रिजेक्ट हो गई, और क्या हो गया बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक रेस मिल गई, मतलब इसके बाद क्या हमारे पास चैम्बर तैयार हो गया जिसको गुस्टाफ कोम्पा ने तैयार कर दिया, इसके बाद हमारे पास एसिटिक एसिड तैयार हो गया, और आजकल के दौर में अगर हम देख लें तो हमारे पास 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हो चुके हैं, और हर साल हमारे पास हजारों कंपाउंड और भी तैयार होते जाते हैं। नाउ देखो बेटा, अब ये पॉइंट है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डिफिनेशन कर ले, उनके पुराने डिफिनेशन से तो काम नहीं चलता कि हम लोग उनके सोर्सेज की बिहा पर उन कंपाउंड को याद करेंगे, ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इस सिस्टम को याद करना काफ़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न डिफिनेशन होना चाहिए जिसकी बिहा पर उसको हम समझ सके। तो चलो देखो बेटा, मॉडर्न डिफिनेशन ये है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इन देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पर ये बोला जाता है कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे। अब बेटा हाइड्रोकार्बन हमारे साथ क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन उन कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें दो एलिमेंट शामिल होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, और ये बोला है कि इसके डेरिवेटिव। तो हमारे साथ क्या होगा बेटा, हाइड्रोकार्बन और इसकी डेरिवेटिव की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखो बेटा हाइड्रोकार्बन में से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जस्ट सपोज हमारे पास है मीथेन, मीथेन आप देख रहे हो बेटा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन। अब देखो बेटा अगर मैं इस मीथेन में इसका मैं एक रिएक्शन करा दूँ, लेट सपोज क्लोरीनेशन कर दूँ, अब क्लोरीनेशन में करा रहा हूँ किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या कर दूँ बेटा कि यहाँ से मीथेन में एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे क्लोरीन की मदद से, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो C3 हो गया, और एक क्लोरीन ऐड कर लो और साथ में क्या बना बेटा HCl। जो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास एक क्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मोनो क्लोरो मीथेन, या आप लोग मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो। तो मोनो क्लोरो मीथेन हमारे पास बन गया, किससे बन गया, इस मीथेन से बन गया, तो दिस इज सेड टू डेरिवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर एक और कंपाउंड भी हम बना सकते हैं, इससे एक हाइड्रोजन को घटाते जाओ एक क्लोरीन को बढ़ाते जाओ, तो क्या हो जाएगा CH2Cl2, नेक्स्ट हो जाएगा CHCl3 और नेक्स्ट हो जाएगा CCl4। तो ये जितने भी कंपाउंड आप देख रहे हो बेटा, दीज आल आर व्हाट, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, जो कि हमारे पास किस में था बेटा, हाइड्रोकार्बन। तो इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक स्टडी, और केमिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। नाउ देखो बेटा, इसमें कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं कि हमारे साथ ऐसे कोई कंपाउंड है जिसमें आपको कार्बन भी मिल जाएगा हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, पर फिर भी उसकी हम उसको हम ऑर्गेनिक स्टडी में इंक्लूड नहीं कराते, तो क्यों, क्यों की रीजन मैंने आपके सामने लिखवा रखी, उनकी डिटेल स्टडी करेंगे, पर उन एक्सेप्शन को पहले समझते हैं। एक्सेप्शन में हमारे पास पहला दे रखा है कार्बोनेट। तो देखो बेटा हमारे साथ जो कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेट का आयनिक फॉर्मूला है CO3-2। दूसरा हम लोग को दे रखा है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट का जो आयनिक फार्मूला है तो डेट इज व्हाट, HCO3-1, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, डेट इज साइनाइड, तो साइनाइड के लिए आयनिक फार्मूला क्या है बेटा, CN-। नेक्स्ट हमारे पास जो दे रखा है डेट इज साइनेट, तो साइनेट हमारे पास क्या है बेटा, CNO। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन जो होते हैं बेटा वो तो हमारे पास दो है, एक हमारे साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग को दे रखा है दैट इज सल्फाइड, तो सल्फाइड हमारे पास क्या है बेटा, S-2। और नेक्स्ट हम लोग को दे रखे इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोप्स होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्स तो तीन है, पर यहाँ पर हम किसको ऑर्गेनिक में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दो होगा बेटा, एक है डायमंड और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, ग्रेफाइट। इसकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक में नहीं करेंगे। क्यों इन चीज़ों को मतलब ऑर्गेनिक स्टडी से बिल्कुल हटा के रखा है, इनको इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं, तो इनके लिए बेटा तीन बेसिक रीजन है, पहला नेचर ऑफ बॉन्ड, दूसरा प्रॉपर्टी और तीसरा सोर्स। तो इनमें से कुछ एग्जांपल को मैं लेता हूँ कि इन बात को मैं थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर लूँ। चलो देखो बेटा, अगर हम लोग इसमें से कोई कंपाउंड सेलेक्ट कर दें जिसमें हमारे पास कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, लेट सपोज मैं यहाँ पर बाइकार्बोनेट को ले लेता हूँ HCO3-1, इससे कोई कंपाउंड बनाते हैं, लेट सपोज मैं मेटल बाइकार्बोनेट की बात कर लूँ, चेने HCO3, दिस कंपाउंड से टू सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं बेटा, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। अगर देखा जाए बेटा तो इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, पर फिर भी ऑर्गेनिक में हम इसको इंक्लूड नहीं करते, तो रीज़न ये है बेटा, एक नेचर ऑफ बॉन्ड होता है।
अगर देखा जाए तो दिस कंपाउंड इज शॉर्ट, और शॉर्ट आप सभी जानते हो कि शॉर्ट में क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। मतलब सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, इट इंक्लूड कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड से हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर दिया। दूसरा हमारे पास ये है प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी देखा जाए बेटा तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट वो हाई है, इसकी डेंसिटी वो हाई है, ठीक है, इस तरीके से इसका हार्डनेस वो हाई है। ये जो बातें मैंने आप लोगों के सामने जो करा दी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हार्डनेस, ये बहुत ही ज़्यादा हाई है किसकी बनस्पत एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वजह से हम इनको क्या करते हैं बेटा, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, हम उसको ऑर्गेनिक में हम लोग उसमें स्टडी नहीं करते। और तीसरा क्या बेटा, तीसरा है हमारे पास सोर्स। मतलब यहाँ पर हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कराते हैं तो इसको हम हासिल करते हैं बेटा रॉक से, माउंटेन से, जो हमारे पास नॉन लिविंग सोर्सेज मानता है। तो आप लोगों ने देख दिया कि हम किन कंपाउंड को क्यों इनमें इंक्लूड नहीं कराते। तो मतलब आप लोगों ने देखा कि एक आयनिक बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग की वजह से, सेकंड हमारे पास क्या प्रॉपर्टी की वजह से, और तीसरा सोर्स की वजह से इन कंपाउंड को हम इसमें इंक्लूड नहीं कराते। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे फॉसिल फ्यूल को। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।